दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु, गुरु महिमा गुण गा, धन्य उन्हीं का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। उड़मोरी हंताड़म नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सवसाहुड़म। अनंतानंत श्री सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, सम्यक पथ प्रदाता आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मंच पर विराजमान समस्त साधु भगवंतों की, संसारी प्राणी, संसार की इस चकाचौंध में सिर्फ एक ही और लक्ष्य को ले जाया करता है कि मेरे लिए इष्ट क्या है, मेरे लिए प्रिय क्या है, मेरे लिए हित का क्या है, मेरे लिए हे क्या है, उपादेय क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है। बस सारा जीवन वह अपना इस उद्देश्य में ही निकाल दिया करता है, इस सुख की प्राप्ति में ही निकाल दिया करता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। परंतु उस अच्छे की प्राप्ति के लिए, उस अच्छे को पाने के लिए पुरुषार्थ क्या कर रहा है, इस पर विचार नहीं करता है। मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन की जो लाइफ स्टाइल है वो व्यवस्थित होनी चाहिए, मुझे स्पर्शन इंद्रिय के लिए, मुझे रचना इंद्रिय के लिए, पांचों इंद्रियों के लिए सब व्यवस्थित चाहिए, वेल मेंटेन चाहिए उसको। परंतु उसको पाने के लिए पुरुषार्थ क्या करना है, इस पर ध्यान नहीं दे पाता है वो। और इस बात को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने चित्त स्वभाव नाम की एक जो पुस्तक है, उस पुस्तक में शीर्षक है संकल्प। उस संकल्प को समझाते हुए आचार्य भगवान उस पर कहते हैं कि अहो हंसात्मन, क्या कहते हैं, अहो हंसात्मन, दृढ़ संकल्प से जो चाहो वह करता है इंसान, दृढ़ संकल्प से जो चाहो वह करता है इंसान, क्या मनुष्य, क्या दैवत्व, क्या त्रयंज, क्या मनुष्य, क्या दैवत्व, क्या त्रयंज, शुद्ध संयम से, संकल्प से प्राप्त कर लेता है। किससे प्राप्त कर लेता है, संयम से। उसके आगे कहते हैं जीव सिद्ध शिला पर स्थान प्राप्त कर लेता है, क्या, जीव सिद्ध शिला पर स्थान, अशुभ संकल्प से जाता है जीव नरक, त्रयंच और अधो स्थान। मात्र एक चीज पर फोकस करना है, संकल्प। उस संकल्प के माध्यम से जीव
अपने आप को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर हम किस ओर फोकस कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य किस ओर जा रहा है, हमारी संकल्प शक्ति किस ओर ले जा रही है हमें, मात्र ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी यहाँ आए हैं, ललितपुर से भी आए हैं, झांसी से भी आए हैं, आज जबलपुर से भी आए हैं, तो किस कारण से आ पाए, किस लक्ष्य को लेकर आ पाए। उन्होंने घर में रहते रहते पहले इस बात पर संकल्पित हुए कि मुझे कहाँ जाना है, नांदिनी, गुरु चरणों में जाना है। जब हम संकल्पित हुए, संकल्प के माध्यम से ही आज हम यहां उपस्थित हो पाए। अगर हम संकल्पित ना होते, अगर हम मन में अपनी दृढ़ निश्चय ना लेकर आ पाते, तो आज यहां हम ना आ पाते। अरे बोलो ना, आ पाते क्या? नहीं आ पाते। तो मात्र एक संकल्प आपको यहां तक लेकर आया है। और वहीं ललितपुर, वहीं जबलपुर, वहीं झांसी में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो ये सोचकर बैठे हैं, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है, दो दिन की छुट्टी है, चलो हम कहां चले, यहां से 140 किलोमीटर दूर क्या है? अरे बोलो ना, मौन है क्या सभी का? क्या है? गोवा जी। तो वहां पर लोग ये भी संकल्प कर सकते थे कि चलो कहां जाना है, हॉलीडे है, छुट्टी है ना, कहां जाना है, गोवा जी। विचार करना हमें मात्र इस बात पर है कि हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य क्या है। आप देखें यहां पर इतने सारे 25 साधु भगवंत बैठे हैं, हमारे बाजू में ही बैठे हैं मुनिश्री सार्थ सागर जी, उस ओर ऊंचाई पर बैठे हैं मुनिश्री जितेंद्र सागर जी, जो अपनी वेल मेंटेन्ड लाइफ को छोड़कर यहां पर गुरु जी के साथ 4 महीने चटाई का त्याग करके बिना चटाई के सो रहे हैं। घर पर रहते तो क्या होता, ऐसा आराम की जिंदगी। सीएस है महाराज जी, दूसरा जो नाम लिया वो सीए है। सिर्फ एक संकल्प शक्ति क्या से क्या करा देती है जीव को, ये हमें देखना है। एक छोटी सी चींटी होती है, वो एक बार ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, 2 बार ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, 10 बार चढ़ती है, 20 बार चढ़ती है, परंतु संकल्प शक्ति को कम होने नहीं देती है वो। उसकी संकल्प शक्ति इतनी हुआ करती है कि अंत में वो लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है। देखें आपके सामने साक्षात बैठे हैं आचार्य भगवान, स्वास्थ्य अनुकूल हो प्रतिकूल हो, संकल्प शक्ति को डिगा नहीं पाता वो। अभी बिहार के दौरान जब दिल्ली के आसपास हम लोग चल रहे थे, गुरु भगवान के पैरों में सूजन आ गई थी। उसके बाद भी 20, 25, 28 किलोमीटर निरंतर ठंड में 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री में चले हैं। किसके दम पर? किसके दम पर? संकल्प के दम पर। गुरुजी ने संकल्प करके रखा है, एक क्या करके रखा है कि मैं तब तक पाषाण को परमात्मा बनाता रहूंगा, तब तक पाषाण को परमात्मा बनाता रहूंगा, तब तक पाषाण को परमात्मा बनाता रहूंगा, जब तक मैं खुद अपनी इस आत्मा को परमात्मा ना बना लूं। किसके दम पर? संकल्प। ध्यान रखना, जीवन में मात्र एक ही चीज आपको संकर से कंकर बना सकती है। क्या बोला मैंने? आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी उल्टा बोल गए, आप तुरंत क्लिक किया होगा किसी ने किसी के दिमाग में, उल्टा बोल दिया। ये आत्मा क्या है? गुरु जी कहते हैं ना, भगवान आत्मा नहीं है क्या? है ना। आत्मा क्या है? भगवान आत्मा। परंतु आप विपरीत संकल्प करोगे तो संकर से कंकर बन जाओगे, और वहीं आप सम्यक संकल्प करोगे तो आप कंकर से संकर बन जाओगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, आप किस ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सारा खेल संकल्प का है। बस आप देखें, मनुष्य तो छोड़ो, त्रेंच गति के जीवों ने भी संकल्प के माध्यम से अपने आत्मा को कल्याण कर लिया।
आप सभी ने सुना होगा, एक सियार की कहानी सुनाई जाती है, प्रथमानियों के ग्रंथों में आती है कि एक सियार, ऐसे ही कोई साधु भगवंत मिलेंगे उसको भी, उनके चरणों में गुरु उपदेश से रात्रि भोजन का काय का त्याग कर देता है, रात्रि भोजन का त्याग कर देता है। उसके प्रभाव से मांस का रात्रि भोजन का त्याग करता है, और सियार जिसका भोजन ही मांस होता है, वो सियार गाँव में जाकर रात्रि में जो थोड़ा बहुत बचता था उसको लाकर खाता रहता था। सुबह एक दिन रात्रि बहुत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ी, बहुत प्यास सता रही थी उसे, क्या हुआ, बावड़ी में गया पानी पीने के लिए। नीचे जाता है तो क्या मिलता है, अंधेरा, वापस ऊपर आ जाता है, पुनः नीचे आता है, पुनः अंधेरा देखता है, पुनः ऊपर आता है, अरे अभी तो दिन हो गया, फिर नीचे जाता है, और यही श्रृंखला चलती रहती है, और अंत में क्या होता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाया करते हैं। और मात्र उस एक संकल्प के दम पर बुस्यार त्रियंश की पर्याय से च्युत होकर स्वर्ग में देव हो जाता है। सैकड़ों उदाहरण हमारे बीच में है, आप देखें, खदरसार भील का एक उदाहरण हमेशा आता है, मात्र एक चीज का त्याग किया था उसने, कौवे के मांस का, संपूर्ण मांस का त्याग नहीं किया था, मात्र एक कौवे का मांस का भक्षण नहीं करेंगे, बस ये संकल्प लिया था गुरु चरणों में उसने। उसके प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ, कहाँ हुआ, सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। तो हम सब भी अपने जीवन में उस संकल्प को लाएं, परंतु वो संकल्प हमारे लिए कैसा हो, सम्यक हो, समीचीन हो, है ना। आप देखें लॉकडाउन में जहां हम क्या कर रहे थे, टाइम को काट रहे थे सिर्फ, क्यों, क्योंकि हमारी आदत क्या हो गई है, सुबह से दुकान जाना, यह महाराष्ट्र वालों के लिए क्या आदत है, सुबह से खेत में जाना, पानी डालना, वापस आना, भोजन करना, फिर खेत में जाना, बस यही हमारा जीवन है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, आचार्य भगवान कल्याण मंदिर स्त्रोत में कह रहे हैं एक लाइन, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, क्या अर्थ है इसका, आप कोई भी क्रिया करें अगर आप भावों के, भावों से आप शून्य हैं, आपके भाव नहीं है उस क्रिया को करने में, तो आपको फल क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। ऐसे ही आप कितना ही मंदिर जाएं, कितना ही गुरुओं के पास जाएं, कितना ही प्रवचन सभा में बैठें, परंतु अगर आप संकल्पित नहीं है किससे, सम्यक से, जीवन में हम जैन हैं इस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए, हम किसके उपासक हैं इस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए, हमारे भगवान कैसे हैं इस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए, हमारे गुरु महाराज कैसे हैं इस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए। देखें आप संघ में ही पूज्य अनुत्तर सागर महाराज जी हैं, कहाँ हम चार बार खाके भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, कहाँ वो चार चार दिन के निर्जल उपास करके अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं, कंकर से शंकर बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। देखें आप पूज्य भी संकल्प सागर महाराज जी, जिस शब्द के ऊपर व्याख्या चल रही है उनको ही देखें आप, जघन्य श्रीन स्क्रीन व्रत कर रहे हैं, किसके बल पर, खुद के बल पर, संकल्प शक्ति के बल पर। हमारे बीच में सुबक सागर महाराज जी भी विराजमान है, आप देखें उनको भी देखें, डेढ़ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे लेकिन संकल्प शक्ति कमजोर थी, जैसे ही संकल्प शक्ति बलवान हुई उंगलियों को काट कर मुनि बनना पड़ा, लेकिन मुनि बने। एक रात में, एक दिन पहले तक कपड़ों में थे, एक दिन बाद निर्वस्त्र हो गए, सिर्फ संकल्प शक्ति। बाकी सबकी दीक्षाएं तो एक महीने पहले ही घोषित हो गई थी, समझ रहे हैं। गुरु जी को देखें समय हो गया है, इतना ही है, अपने जीवन में अगर पतित से पावन, कंकर से शंकर बनना है तो आज से ही संकल्पित हो जाओ गुरु चरणों में,
ये सौभाग्य हमें मिला है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 25-25 26-26 साधु भगवंत हमारे बीच में हैं। हम सभी संकल्पित हो जाएं इस बात से कि जब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने नहीं हुए आगे, तब तक हम नहीं रुकेंगे, है ना। इतना ही रखते हैं, गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।